नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो का शीर्षक है, क्या है और क्यों जानना ज़रूरी है फॉर्म 26AS एंड एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम और स्टेटमेंट। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट एंड फॉर्म 26AS। फ्रेंड्स, आज लास्ट डेट है इनकम टैक्स फाइल करने का, लेकिन अगर अभी भी अगर कुछ लोग सीखना चाहते हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो काम में आएगा। और चलो आज नहीं होगा, बट ये फ्यूचर में आपको हमेशा काम में आएगा। ओके, हम सुनते रहते हैं फॉर्म 26 होता क्या है, तो आज इस वीडियो हम देखेंगे उसका रेलेवेंस क्या है, क्या होता है, आपको क्यों फॉर्म 26AS आपको क्यों देखना चाहिए, है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म 26AS कंटेंस, इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब कितने जो भी सोर्सेज हैं आपके, चाहे बैंक से हो, चाहे आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स कट किया हो, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपकी दी जाएगी। सो नंबर वन, आपका TDS कितना कटा है उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में। फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन और इसका मीनिंग आपको बताया है, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज मत होना कि प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। ओके, तो TDS जो आपका एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में डिडक्ट हुआ है और उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में कितना TDS होगा, तो वो आपका TDS की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है फॉर्म 26AS में। नंबर वन हो गया। ओके, उसके बाद में टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इसकी इन्फॉर्मेशन भी रहेगी, राइट। अभी इस वीडियो में जस्ट मैं तो ब्रीफली टच करूँगा कि TDS वर्सेस TCS, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, है ना, TDS और TCS में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो TDS बेसिकली होता है कि जब आप सर्विस अपने प्रोवाइड कर रहे हो, जब आपका एम्प्लॉयर आपको कोई इनकम, बेसिकली जो इनकम का जो सोर्स है आपका, वहाँ पे आपका जो टैक्स बनता है वो TDS वहाँ पे कट जाता है, राइट। इनकम मतलब ये डायरेक्टली इनकम पे कटता है। ओके, तो जैसे अगर आपको कमीशन मिल रही है वो आपकी इनकम है, सैलरी मिल रही है वो आपकी इनकम है, इंटरेस्ट मिल रहा है वो इनकम है, तो वहाँ पे क्या TDS डिडक्ट होगा आपका, राइट। TCS ये होता है जहाँ पे बायर और सेलर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, बायर और सेलर इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे बायर का ऑब्लिगेशन होता है कि जब भी वो ट्रांजेक्शन एंटर करे तो वो, सॉरी, यहाँ पे सेलर, नॉट बायर, सेलर का ऑब्लिगेशन होता है कि जो ट्रांजेक्शन वो एंटर कर रहा है तो उसको एंटर करने से पहले जो एप्लीकेबल TCS है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, उसको लेना है, ठीक है। सो जैसे बायर ने इसे परचेज किया, मतलब से कोई फ्लैट परचेज किया, लैंड परचेज किया, कोई स्पेसिफाइड असेट परचेज किया, राइट, तो ये उसकी इनकम नहीं है बायर की, है ना, बट वो ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे जो सेलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट जो स्पेसिफाइड जो रेट दिए हैं पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे, वहाँ पे उसको टैक्स डिडक्ट करना है। ओके, तो जब बायर और सेलर के बीच में ट्रांजेक्शन और जब सेलर टैक्स डिडक्ट करता है, राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, TCS बोलते हैं, उसको बोलते हैं TCS। बट जब ये टैक्स डायरेक्टली आपकी इनकम से डिडक्ट किया जाता है तो वो TDS के फॉर्म में होता है, राइट। जैसे आपका सैलरी हो गई, इनकम, इंटरेस्ट इनकम हो गया, कमीशन हो गया, है ना, कैपिटल गेन पे TDS नहीं होता, बट अदर और जो भी इनकम है, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी है या कुछ भी इनकम हो सकती है, तो वहाँ पे मेन चीज़ आपका इनकम है एक, ठीक है, इनकम पे TDS होता है और TCS होता है आपके बाय और सेल ट्रांजेक्शन पे। तो सेलर का ऑब्लिगेशन होता है कि वो आपसे TCS कलेक्ट करे बायर से, राइट। ओके, उसके बाद में आपकी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वो होती है, इसमें क्या होती है, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रेगुलर टैक्स असेसमेंट डिपॉजिट। तो अगर आपने एडवांस टैक्स डिपॉजिट किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स डिपॉजिट किया है, रेगुलर असेसमेंट टैक्स डिपॉजिट किया है, तो वो भी इसमें रहेगा, ठीक है। अब मैं ब्रीफली बता दूँ एडवांस टैक्स होता क्या है। एज़ पर इनकम टैक्स, आपका जो TDS जो डिडक्ट होता है वो एडवांस टैक्स के जो प्रोविज़न उसके वजह से होता है, और इसका प्रोविज़न है कि मार्च 31st के पहले आपको 100% आपका जो टैक्स पेबल है वो गवर्नमेंट के पास में चला जाना चाहिए, राइट। तो आप जो इनकम आपका, इसलिए आपका जो फॉर्म 16 होता है, आपका एम्प्लॉयर पूरा जो भी आपका टैक्स बनता है उसको डिडक्ट मार्च 31st के पहले कर लेता है, राइट।
सेल्फ असेसमेंट टैक्स का मतलब होता है कि सपोज आपसे कोई इनकम रह गई थी, आपने उसको बाद में कंसीडर किया, तो उसके बाद में जो टैक्स बनता है जिसको आप खुद पे करते हो उसको हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं, है ना। और रेगुलर असेसमेंट टैक्स और डिपॉजिट क्या होता है, जब आपने रिटर्न फाइल कर दिया और उसका जब असेसमेंट हो रहा है और उसके ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो उसको रेगुलर असेसमेंट टैक्स डिपॉजिट बोलते हैं, राइट। उसके बाद में रिफंड, अगर आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कोई रिफंड मिला है तो भी उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें फॉर्म 26AS में दी रहेगी, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी, राइट। हम आगे फॉर्म 26AS का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे, बट अभी हम जस्ट ब्रीफली टच ऑन करें क्या क्या इसके अंदर होता है। डिटेल्स ऑफ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते स्पेसिफाइड, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या क्या है, जैसे आपका करंट अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, ये सारी डिटेल्स आएंगी, डिपॉजिट और कितना और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आती है, ठीक है। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्शन, डिडक्टेड ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194(1)(a), ओके, इन केस ऑफ सेलर ऑफ सच प्रॉपर्टी, ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसके बाद में TDS डिफॉल्ट्स, मतलब अगर आपने कोई TDS आपने टैक्स डेट के लिए किया है लेकिन उसको डिपॉजिट नहीं किया है, राइट, तो उसके जो डिफॉल्ट्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी इसमें आती है। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिमांड एंड रिफंड, अगर आपको कुछ डिमांड आपके ऊपर पेंडिंग है तो वो भी आपकी इसमें आएगी, और रिफंड है तो वो भी आपको दिखाई देगा। एंड लास्टली इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेंडिंग एंड कंप्लीटिंग प्रोसीडिंग, आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स, ये आप इसको ज़रूर समझ लीजिए कि फॉर्म 26AS में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको एक बार क्यों देखना है, अगर आपका कोई असेसमेंट या कुछ पेंडिंग प्रोसीडिंग है तो वो भी इसमें दिखाई देती है, राइट। और इसमें एक्चुअली कोई अल्टरेशन आपकी तरफ से नहीं होता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाता है वही फाइनल होता है, ओके। तो ये है फॉर्म 26AS में क्या क्या जानकारी होती। अब हम इसके आगे इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं, इसकी दिखता कैसा है, किस तरह से होता है, राइट। आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट इसमें इंक्लूड किया है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह से दिखता है फॉर्म 26AS, है ना। इसमें लिखता है, क्या लिखता है, एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, है ना। क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, सबसे पहले इसमें रहेगा आपका पैन नंबर रहेगा, करंट स्टेटस एक्टिव एंड ऑपरेटिव, फाइनेंशियल ईयर रहेगा, असेसमेंट ईयर रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा, ठीक है। असेसी मतलब असेसी यानी करदाता यानी आपका, है ना, जिसके बारे में हम इनकम की बात करें उसका। उसके बाद में इसका पार्ट वन में होता है TDS की डिटेल्स होती है, राइट। TDS की जो डिटेल्स है तो ये मैंने बोला ना, इसमें TDS की डिटेल्स रहेगी, तो जैसे 192 है, ये 192 ये आपका क्या है, ये इनकम फ्रॉम सैलरी है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें पार्ट टू है, पार्ट टू डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर 15G और 15H, उसकी डिटेल रहेगी यहाँ पे। इसके बाद पार्ट थ्री है, पार्ट थ्री ट्रांजेक्शन अंडर प्रोविजन 194 फर्स्ट प्रोविजन ऑफ दिस, और ये तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली आपका जो पार्ट वन है उसमें आपका TDS का इन्फॉर्मेशन आ रहा है ना, पार्ट फोर तक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यहाँ पे कौन सा पार्ट फोर में कौन सा आ रहा है, ये वर्चुअल डिजिटल असेट्स के बारे में। अगर आपने कुछ ये क्या बोलते हैं, अगर आप बिटकॉइन वगैरह या कुछ इस तरह से आपने परचेज और सेल किया तो उसके बाद जो TDS है उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, राइट। उसके बाद में फिर नेक्स्ट इसमें आता है पार्ट फाइव में आता है डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर प्रोविजन फॉर सेलर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स, है ना। ऊपर क्या था यहाँ पे, ये था यहाँ पे कि फॉर सेलर लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्टर और सेलर ऑफ वर्चुअल असेट, ऊपर आएगा। इसके बाद में नीचे एक अलग से वर्चुअल असेट्स का इन्होंने दिया है यहाँ पे, ओके, फॉर सेलर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट, तो यहाँ पे भी TDS का इन्फॉर्मेशन आपका आ जाएगा पार्ट फिफ्थ तक, ओके। फिर इसके बाद में पार्ट सिक्स में बोल रहा है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो मैंने बताया था फ्रेंड्स कि TDS के बाद में जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है TCS, है ना। TCS क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, तो TCS आएगा। इसके बाद में पार्ट सेवन में आ रहा है डिटेल्स ऑफ पेड रिफंड फॉर विच CPC, TDS और AIS ई फाइलिंग पोर्टल, ओके, तो ये आपका
डिटेल्स ऑफ रिफंड पेड, अगर आपको जो रिफंड आया तो उसके बारे में आपको डिटेल्स मिलेगी यहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद में पार्ट एट में क्या होता है, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये किसके लिए, आपका बायर, टेनेंट ऑफ प्रॉपर्टी, पर्सन मेकिंग प्रोफेशनल बायर और क्या डिजिटल असेट, तो ये सारे यहाँ पे टीडीएस उसके बारे में आए, जैसे आपने बायर हैं, टेनेंट ऑफ द प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर आप हैं तो वो डिटेल्स यहाँ पे आएगी, क्योंकि आपका आप जो इनफैक्ट आपका जो टेनेंट है वो जब आपको रेंट पे करेगा तो आप उसको टीडीएस कट करके देगा, तो वहाँ पे डिटेल्स आएगी उसकी, राइट। ओके, उसके बाद में फिर नेक्स्ट पार्ट हमारा इसमें पार्ट नंबर 9 आता है, डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन डिमांड पेमेंट अंडर प्रोविसोस, ये क्या है, फॉर बायर ऑफ डिजिटल, वहाँ पे सेलर था, यहाँ पे बायर का डिटेल्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे है ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है टीडीएस और टीसीएस डिफॉल्ट, मैंने लास्ट स्लाइड में बोला था कि इसमें डिफॉल्ट की इन्फॉर्मेशन भी थी, कि अगर आपने देखिए डिडक्ट करने वाले 10 नंबर है, शॉर्ट पेमेंट है, शॉर्ट डिडक्शन कलेक्शन है, इंटरेस्ट ऑन ये टीडीएस है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर होती है फ्रेंड्स, राइट। उसके बाद में आप अगर आपको लगता है कि ये सेक्शन कौन, इस सेक्शन का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला था 192 सैलरी है, तो यहाँ पे पीछे डेफिनेशन दी है सेक्शन की, ब्रीफली आप इनको रिफ़र कर सकते हैं, तो आपको पता भी चलेगा कि आपका जो ऊपर ये मैंने बताया कि आपका जो टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे 192 में डिडक्ट हो रहा है, ठीक है, आगे अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन में जो सेक्शन कोड किए गए यहाँ पे, वहाँ पे लास्ट में इसकी डेफिनेशन होती है। ओके फ्रेंड्स, तो जो टीडीएस है आपका, जो फॉर्म 26AS, उसमें बेसिकली आपका टीडीएस और टीसीएस का इंफॉर्मेशन होता है, उसके बाद में पेंडिंग प्रोसीडिंग का इंफॉर्मेशन होता है, रिफंड का आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है और इसको बिना देखे कभी रिटर्न फाइल मत कीजिए। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये अभी जस्ट हमारे जो CBDT है उसने जस्ट एक दो साल पहले से इसको इंट्रोड्यूस किया है, तो बेसिकली ये आपका एक तरह से फॉर्म 26 के ऊपर थोड़ा एक लैग और ऊपर चला गया, यहाँ पे और डिटेल्स आती है, तो इसमें क्या क्या आता है, डिस्प्लेस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू द टैक्स पेयर विथ अ फैसिलिटी टू कैप्चर ऑनलाइन फीडबैक। इसमें आपका ये है कि आपका जो ट्रांजेक्शन इसमें जो कैप्चर हो रहा है, आप इसको फीडबैक दे सकते हो, है ना, कि अगर आपको लगता है कि ये गलत है या तो इसको फीडबैक दे सकते हो। प्रमोट्स वॉलेंट्री कंप्लायंस एंड एनेबल सीमलेस प्री फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ओके, तो इसका जो पर्पज़ ये है कि आपको जो आपको जो डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन अगर आप उसमें फीडबैक नहीं देते, तो आगे जाके ऐसा भी हो सकता है बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। ओके, और डेटर्स नॉन कम्प्लायंस, तो जो नॉन कम्प्लायंस को रोकने के लिए इसको किया गया, बिकॉज अभी आपके पैन से जितने भी ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं उसका सबका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, तो इट मींस ऊपर वाला सब देख रहा है, यहाँ पे ऊपर वाला तो नहीं देख रहा, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी आपको सब कुछ देख रहा है, और एटलीस्ट जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं और जो पैन के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, जो डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, उनके ऊपर तो पूरी वॉच है गवर्नमेंट की, तो सब कुछ देख रहे हैं, राइट। अब इसको अगर आपको एक्सेस करना है, ये दोनों आप अपने लॉगिन आईडी में जाओगे, फॉर्म 26AS भी आप मिल सकता है, और आप वहाँ पे आपको AIS भी आप मिल सकता है, तो AIS के मैंने पाथ बताया है, 26AS से तो बहुत सारे लोग फैमिलियर, वहाँ भी आप टैब में जाके आप रिटर्न फाइल में जाओगे, तो वहाँ पे आपको फॉर्म 26AS आप व्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो AIS के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है, www.incometax.gov.in, इस पर आपको लॉगिन करना है और उसको आपको AIS पे क्लिक करना है, ठीक है, डैशबोर्ड पे, और उसके बाद में प्रोसीड करना है, तो आपका इसमें PDF का ऑप्शन होता है, व्यू का ऑप्शन होता है, आप उसको देख के आप उसमें अपने ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकते हो और फीडबैक दे सकते हो, राइट। उसके बाद में अब हम इसका एक्चुअल फॉर्मेट देखते हैं कि दिखता कैसे। ओके, तो देखिए इसका पार्ट ए है, AIS का पार्ट ए इस तरह से होता है, इसमें क्या क्या है, इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, यह है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपको फाइनेंशियल ईयर दिया है और असेसमेंट ईयर दिया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अगर आप अभी मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे इनकम टैक्स की वीडियो देख रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके, इसमें आपका पैन नंबर रहेगा, आधार नंबर रहेगा, सीडिंग रहती है, इसमें लास्ट 4 डिजिट दिखाई देंगे, आपका नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगी, मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा, और आपका एड्रेस रहेगा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में अपडेटेड है। ये हो गया आपका पार्ट ए, जनरल इन्फॉर्मेशन, राइट। अब पार्ट बी में क्या क्या है, पार्ट बी में देखिए इसमें आ रहा है आपका
पार्ट बी में आ रहा है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स, तो पार्ट बी वन में आपका ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है TDS और TCS का। उसके बाद में पार्ट बी टू में आ रहा है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये सारे बैंक अकाउंट्स हैं, इसमें इंटरेस्ट कितना क्रेडिट हुआ है वो सारा डिटेल्स यहाँ पे, और आपने फिक्स डिपॉजिट किया है तो ये स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो सब आप इसमें कैप्चर हो रहा है, राइट। तो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद में सेल ऑफ सिक्योरिटी और म्यूचुअल फंड के डिटेल्स आपको दिखाई देगा नेक्स्ट स्लाइड में, ओके। देखिए तो यहाँ पे आपने जो इक्विटी शेयर का बाय सेल किया उसका डिटेल्स आती है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कैपिटल गेन पर्पज़ के हिसाब से इसको ऑटोमेशन पे लेके आ रहा है कि आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो आपको दिखाई देगा, राइट। और इसमें देखिए यहाँ पे सेल प्राइस है, यहाँ पे सेल कंसिडरेशन है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया है, तो आगे जाके एक प्रॉबेबिलिटी ये है कि आपका कैपिटल गेन जो है ना वो ऑलरेडी कैलकुलेट होके आएगा, तो वहाँ पे आपको अलग से उसको कैलकुलेशन नहीं करना, पर गवर्नमेंट के पास में आपका टैक्स इजीली उस पर जाएगा क्योंकि उसके टैक्स स्पेसिफाइड रेट होते हैं और वहाँ पे आराम से असेसमेंट हो सकता है। अभी तक यह है कि आपको टैक्स उसको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होता है आपके रिटर्न में, राइट। उसके बाद देखिए, इसके बाद पार्ट बी हमारा कंटिन्यूड है। देखिए तो इसमें और इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है, इसमें अगेन वो शेयर का परचेज डिटेल्स आ रहा है, उसके बाद में यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स की डिटेल आ रही है, तो अगर आपने कुछ परचेज है सेल किया तो उसका डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर पार्ट बी सेवन में एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सब रूल, ये तो इसमें यहाँ पे सैलरी ये सब यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन सारी इसमें कैप्चर होती है कि आपका TDS कितना हुआ है, आपको टोटल इनकम कितनी मिली है वहाँ पे, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा, राइट। उसके बाद में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे पार्ट B3 आ रहा है, तो यहाँ भी आपको अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पेड किया है तो उसका डिटेल्स आपको दिया है कि आपने लास्ट ईयर कब पे किया था, 2023-24 में पे किया था, इतना अमाउंट पे किया था, सेल्फ असेसमेंट है, ओके। ये दिस इज़ ओवर एंड अबव TDS है ना, तो आपने उसके डिटेल्स यहाँ पे आ रही है, BSR कोड चालन वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, राइट। ये आपको जानना ज़रूरी नहीं है, ये है ना। उसके बाद में देखिए, इसके बाद में आपका यहाँ पे अगेन डाउनलोड ID आपका दिया है यहाँ पे, ठीक है, पैन नंबर के हिसाब से आपका डाउनलोड ID वगैरह होता है इसमें, तो ये इन्फॉर्मेशन होती है इस तरफ से। तो असेसमेंट एयर, उसके बाद में इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिमांड एंड रिफंड, ओके। तो रिफंड यहाँ पे, रिफंड का स्टेटस भी यहाँ पे दिया, अगर कोई डिमांड होती तो उसका भी स्टेटस आ जाता है यहाँ पे, ओके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो मैं कंप्लीट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी इनकम टैक्स की जो जर्नी है वो सिंपल बना रहा, और डे बाई डे आपका इनकम टैक्स के नाम पर आपके चेहरे पर अभी क्या स्माइल आ रही है, ओके। अभी मुझे लगता है कि अब आपको टफ नहीं लग रहा होगा, एटलीस्ट अभी आपको समझ में आ रहा है कि इनकम टैक्स, यू आर हैप्पी विथ इनकम टैक्स, ओके, यू कैन अंडरस्टैंड दिस नाउ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।